उधर आम आदमी पार्टी अभी भी इस हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। दिल्ली के डिप्टी सीएम और पार्टी के नंबर दो मनीष सिसोदिया ने एक बार फिर से हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ा। और एमसीडी में बीजेपी ने भ्रष्टाचार, डेंगू, चिकनगुनिया, कूड़ा, इन सब के अलावा कुछ किया नहीं है ये फैलाने के अलावा। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से बीजेपी को सीट्स मिली हैं उस पर यकीन नहीं हो सकता। कोई वजह नहीं है कि बीजेपी को दोबारा से लोग इस तरह से पसंद करें दिल्ली में, चिकनगुनिया फैलाने वाली पार्टी, कूड़ा फैलाने वाली पार्टी को। ये अगर डिफरेंस दो चार सीट का होता तो मान लेते कि हाँ ठीक है, पर जिस तरह का डिफरेंस सामने आया है वो बिल्कुल भी यकीन नहीं करने लायक है। उस पर यकीन नहीं हो सकता कि ये बिना ईवीएम के रीडिंग के ये इतना बड़ा डिफरेंस हो सकता है। तो इसलिए और ईवीएम पे जो कहा जा रहा है, हम मानते हैं कि ईवीएम पे आज इतनी आसानी से यकीन नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में महारत हासिल की है ईवीएम को, पूरी टेम्परिंग को स्टडी करके 2009 चुनाव हारने के बाद से ईवीएम की बात करनी शुरू की थी इन्होंने, और पूरी रिसर्च की इन्होंने, किताबें लिखी, पूरी पीएचडी की, सुप्रीम कोर्ट में गए, पूरी टेम्परिंग को समझा इन्होंने, और अब ये उसी टेम्परिंग से, उसी रिसर्च के दम पे चुनाव जीत रहे हैं।